मुंगेर जिले में कोरोना के लगातार संक्रमण बढ़ने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र में जहां शिक्षित लोग मास्क पहनने के प्रति जागरूक नहीं दिख रहे हैं, वहीं बरियारपुर प्रखंड के रतनपुर पंचायत में आदिवासियों का एक ऐसा गांव है जहां लोग सुखवा के पत्ते का मास्क लगाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। ये ग्रामीण पत्ते से ही प्लेट और अन्य सामान बनाकर जीवन यापन करते हैं। ऐसे में पत्ता का मास्क बनाकर लोगों को जागरूक का विचार आते ही सभी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ सभी ग्रामीण सखुआ के पत्ता का बनाया मास्क पहनते हैं और दूसरों को भी पहनने के लिए जागरूक करते हैं। इस गांव की विडंबना यह है कि आज तक नहीं यहाँ सरकारी स्तर पर कोई कोरोना जांच की गई और नहीं मास्क या फिर सैनिटाइजर का वितरण हुआ। सरकार और प्रशासन की अनदेखी से गाँव के लोगों में नाराजगी भी है। पत्ता का सखुआ का पत्ता, सखुआ का पत्ता है से ठंडा भी लगता है, अभी मिलता है। हम लोग को कोई नहीं दिया क्या मास्क सैनिटाइजर बना रहे हैं पत्तल का है क्यों बना रहे? कोरोना ज्यादा फैल गया तो पता नहीं लगाएगा, मास्क भी नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? पत्ते को बना के मास्क बना लेते हैं कोरोना से बचने के लिए। कपड़ा वाला मास्क यहाँ मिलता है कि हम लोग के गरीब आदमी देगा कोई तब नहीं पहनेंगे। सरकारी योजना कुछ नहीं आता है, मास्क वगैरह कुछ नहीं आता है, सिर्फ लॉकडाउन हल्ला सुनते हैं तो मास्क लगा लेते हैं पत्तल को बना के बच्चा बुजुर्ग बचने के लिए। सुन रहे हैं कि मास्क के बगैर मर जाता है आदमी, कोरोना बहुत फैल गया इसलिए मास्क बना लेते हैं पत्तल का कि कुछ नहीं हम लोग को। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है सरकारी ऊपर से, कुछ नहीं मिल रहा है ना, कुछ मिल रहा है ना राशन मिल रहा है ना कुछ नहीं मिल रहा है। पत्तल लाते हैं पहाड़ से तोड़ के और यही पत्ता बनाते हैं, यही बेचते हैं, यही इसमें रोज रोन रोटी चलता है हम लोग को। इस बात और है कि कहीं काम धंधा मिल जाता है तो चल जाते हैं मजदूरी काम करने के लिए, और लॉकडाउन हो गया है तो कोई